लगातार जारी है। 24 घंटे में संक्रमितों के आंकड़ों में जबरदस्त इजाफा देखा गया है। नए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में बिहार में कुल 12,222 नए केस मिले हैं, जबकि इस दौरान कुल 1,03,828 सैंपल्स की जांच हुई है। सबसे ज्यादा मरीज राजधानी पटना में मिले हैं। पटना में पिछले 24 घंटे में 2,919 नए केस मिले हैं। गया में 861, सारण में 636, बेगूसराय में 587, औरंगाबाद में 560, भागलपुर में 526, मुजफ्फरपुर में 445 नए केस सामने आए हैं। देश भर में ऑक्सीजन सिलेंडर्स और रेमडेसिविर की भारी मांग है, लेकिन एनएमसीएच अधीक्षक के पत्र ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है, और वो ये, इस पत्र में रेमडेसिविर को कोरोना के इलाज में सहायक नहीं बताया गया। आपको बता दें कि कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल एनएमसीएच के अधीक्षक कार्यालय की ओर से एक पत्र जारी किया गया है। लेटर में WHO की गाइडलाइन का हवाला देते हुए रेमडेसिविर की कोरोना के इलाज में उपयोगिता नहीं होने की बात कही गई है। लेटर में तमाम शोध और अनुसंधान का भी हवाला दिया गया है। आपको बता दें कि राज्य में रेमडेसिविर की भारी किल्लत हो गई है, और इसको लेकर कई जगहों पर कालाबाजारी की सूचना आई थी। एनएमसीएच अधीक्षक कार्यालय के पत्र जारी करने के बाद बिहार के सियासी हलके से भी अब प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आइए सुनते हैं सियासी सूरमाओं ने क्या कुछ कहा है। कोरोना में रेमडेसिविर दवाई की जरूरत नहीं है, ये बात आज एनएमसीएच के अधीक्षक कह रहे हैं पत्र निकाल कर कि रेमडेसिविर की जरूरत कोरोना में नहीं है। वो गाइडलाइन WHO का और बाकी चीज़ों का दे रहे हैं। जब रेमडेसिविर को लेकर पूरा हाहाकार मच गया, चारों ओर काला बाजारी होने लगा, अब जाकर के एनएमसीएच के अधीक्षक ये पत्र निकाल रहे हैं। इसके पहले सरकार ने क्यों नहीं बताया? राज्य सरकार की विफलता स्पष्ट रूप से ये जागृत हो रही है कि किस तरह से दवाइयां जो है बाजार में खुलेआम काले अधिक अपने 10 गुने और 20 गुने कीमत पर बिक रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर 20 गुने 50 गुने कीमत तक लोगों को मिल रही है। एक रेमडेसिविर देने के लिए एक एक इंजेक्शन की कीमत 15 से 20 हज़ार लोगों को चुकाया जाना पड़ता है। सिर्फ नोटिस कर देने से, चिट्ठी लिख देने से यह नहीं होगा कि आप मत लिखिए, ऑल्टरनेटिव बताइए। रेमडेसिविर के बारे में जो NMCH के अधीक्षक ने पत्र जारी किया है वो सही जारी किया है, चूँकि WHO का भी ये मानना है कि रेमडेसिविर कोई लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं है। एम्स पटना के डायरेक्टर ने भी हाईकोर्ट में सही बात कहा है, और जिस रेमडेसिविर का कालाबाजारी की आपने चर्चा किया, 20,000 में 40,000 में बेचने की बात हो रही है, उसकी उपयोगिता नहीं के बराबर है। इस वेव में संक्रमण का रेट भी ज्यादा है तो स्वाभाविक है सब लोग डरे हुए और सहमे हुए हैं। WHO ने भी गाइडलाइन जारी किया। कल भारत के शीर्ष जो डॉक्टर हैं उन्होंने भी जो है आपस में डिस्कशन किया, और एक बात तो तय है कि यह घबराने की जरूरत नहीं है। किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी, केंद्र सरकार के तरफ से हो या